दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर 5 से 6 हजार रुपए तक के बीच में वो फोन बता दीजिए कि हमारे लिए कौन सा एक अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 से लेकर के 6 हजार रुपए तक के फोन्स और उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस लिस्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो मेरा फेवरेट फोन कौन सा है और जिसको मैं यूज करता हूँ। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो सबसे पहला जो मेरे लिस्ट में फोन रखा गया है वो रखा गया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हाल ही में लॉन्च किया था। तो बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। यही अगर इसकी रैम की बात करें तो 2GB 16GB के साथ आता है, प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको MTK6739 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें कैमरे को लेकर के तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा है कहीं ना कहीं। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, फेस अनलॉक मिल जाता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं तो 3050 mAh इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये आपको 4999 रुपए में देखने को मिल जाता है। 4999 रुपए में आपके लिए फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 की साइड भी जा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले फोन की तरफ, जो आपका आता है माइक्रोमैक्स का UAS। रिसेंटली में ही लॉन्च किया था। मैं जितनी भी आपको यहाँ पे फोन बताने वाला हूँ उसमें से ज्यादातर फोन है वो हाल ही में लॉन्च किए हैं, इसीलिए मैंने उनको लिस्ट में रखा है। बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स UAS फोन के बारे में। तो इसमें आपको डिस्प्ले जो मिल जाती है 5.45 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में मिलती है। यही अगर हम रैम की बात करें इसमें आपको 2GB 16GB के साथ मिलता है, प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसमें आपके प्रोसेसर की, जैसे भी आपको MediaTek का MTK वाला 6739 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी इसमें ज्यादा दी गई है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 से, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लेकिन प्लस बात यह है कि अगर आप फिंगरप्रिंट के लवर हो तो इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। तो अगर आप भी प्रेफर करना चाहते हो 5-5.5 हजार रुपए के बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर वाला मोबाइल, तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी जो प्राइस है वो 5499 रखी गई है। 5.5 हजार रुपए में आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो माइक्रोमैक्स UAS की साइड भी जा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। बढ़ते हैं अब अगले फोन की तरफ। इस प्राइस में इस फोन को कोई भी नहीं हरा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की तरफ से Redmi 6A के बारे में। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसमें 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। रैम की बात करें तो 2GB की 16GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में बात करें तो 3000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर, इसमें आपको प्रोसेसर जो देखने को मिलता है Helio का A22 वाला, इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ये भी एक अच्छा है। बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया। लेकिन आपको ये वाली बात पता है अच्छी तरीके से कि Xiaomi का 5 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा होता है। इसकी जो प्राइस है वो 5999 रुपए रखी गई है। ये आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी मैं आपको फोन बता रहा हूं उन फोन की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के वहां से इजी तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा फोन यूज करता हूं, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में सर ने कौन सा फोन रखा है जो सर भी यूज करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं Asus की तरफ से Zenfone Lite L1 के बारे में। ये काफी अच्छा फोन है, इसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं Asus की यहां पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसकी जो डिस्प्ले दी गई है वो आपको 5.45 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी रैम की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 2GB की
और 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें इसमें तो आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। मैं चला रहा हूँ, बैटरी काफी अच्छी है, सुबह से लेकर के शाम तक इसका बैटरी बैकअप दे देती है। अगर हम इसकी कैमरे की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 13 MP का बैक कैमरा दिया गया है, 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया है। और कैमरे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों साइड ही आपको फ्लैश देखने को मिल जाती है, बैक में भी आपको फ्लैश देखने को मिलती है और फ्रंट में भी आपको फ्लैश देखने को मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मैं इस फोन के फीचर्स की बात करूं, जो इसका हाईलाइट बना हुआ है वो इसका है प्रोसेसर। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 430 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 वाला प्रोसेसर इतने प्राइस में किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। इसकी जो प्राइस है वो 5999 रुपए है, रेडमी के 6A के बराबर इसकी प्राइस है। तो अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मुझे रेडमी 6A से ज्यादा अच्छा फोन ये लगता है। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ, और ये लास्ट फोन है जो मेरी लिस्ट में रखा गया है, 6000 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैंने इसको भी अपनी लिस्ट में रखा है। तो बात कर रहा हूं मैं Lenovo K5 के बारे में। ये भी हाल ही में लॉन्च किया है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात कर ले तो सेम आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, 5.45 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 2 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल मेमोरी, प्लस SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, जिसमें आपको MediaTek का MTK6739 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 13 MP का बैक कैमरा दिया गया और 8 MP का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसमें आपको बैक में भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसकी जो प्राइस है वो 6499 रुपए है, लेकिन मैंने इसको भी अपनी लिस्ट में रखा है। इस सीरीज में मैंने सारे के सारे अच्छे फोन्स को रखा है, बाकी का आपको कौन सा अच्छा लगा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बात देखी होगी कि इतने प्राइस में आपको सारे फोन्स में MediaTek का MTK6739 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है, लेकिन Asus का Zenfone Lite ऐसा फोन है जिसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 430 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आपको 6000 रुपए में इतना अच्छा प्रोसेसर किसी भी फोन में नहीं देखने को मिलेगा। बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, साथ में घंटी को जरूर दबाएगा। मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।